तुषार कपूर की पहली फिल्म आई थी मुझे कुछ कहना है। इस फिल्म में उनके साथ काम की थी करीना कपूर। यह फिल्म 2001 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है क्या दिल ने कहा। यह फिल्म में इनके साथ काम की थी ईशा देओल। यह फिल्म 2002 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है जीना सिर्फ मेरे लिए। इस फिल्म में इनके साथ काम की थी करीना कपूर। यह फिल्म 2002 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों वहीं इनकी अगली फिल्म आती है कुछ तो है। इस फिल्म में इनके साथ काम की थी ईशा देओल। यह फिल्म 2003 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है ये दिल। ये दिल इस फिल्म में इनके साथ काम की थी अनिता हसानदानी। यह फिल्म 2003 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों वहीं इनकी अगली फिल्म आती है गायब। इस फिल्म में इनके साथ काम की थी अंतरा माली। यह फिल्म 2004 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों वहीं इनकी अगली फिल्म आती है क्या कूल है हम। इस फिल्म में इनके साथ काम की थी ईशा कापिकर। यह फिल्म 2005 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है गोलमाल। जिस फिल्म में इनके साथ में काम किए थे अजय देवगन अरशद वारसी। यह फिल्म 2006 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है क्या लव स्टोरी है। इस फिल्म में इनके साथ काम की थी आयशा टाकिया। यह फिल्म 2007 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है शूट आउट एट लोखनवाला। इस फिल्म में इनके साथ में काम किए थे विवेक ओबेरॉय। यह फिल्म 2007 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों वहीं इनकी अगली फिल्म आती है ढोल। जिस फिल्म में इनके साथ काम किए थे राजपाल यादव और तनुश्री दत्ता। यह फिल्म 2007 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों वहीं इनकी अगली फिल्म आती है गुड बॉय और बेड बॉय। यह फिल्म में उनके साथ काम की थी तनुश्री दत्ता। यह फिल्म 2007 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों वहीं इनकी अगली फिल्म आती है 1-2-3। इस फिल्म में उनके साथ काम की थी नीतू शर्मा और सुनील शेट्टी। यह फिल्म 2008 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है सीके कंपनी। जिस फिल्म में इनके साथ काम की थी रीमा सेन अक्षय कुमार। यह फिल्म 2008 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है गोलमाल रिटर्न। जिस फिल्म में इनके साथ काम की थी करीना कपूर। यह फिल्म 2008 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों वहीं इनकी अगली फिल्म आती है गोलमाल 3। जिस फिल्म में इनके साथ काम किए थे अजय देवगन करीना कपूर। यह फिल्म 2010 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है शोर इन द सिटी। यह फिल्म इनके साथ में काम की थी राधिका आप्टे। यह फिल्म 2011 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों वहीं इनकी अगली फिल्म आती है लव यू मिस्टर कलाकार। यह फिल्म में इनके साथ काम की थी अमृता राव। यह फिल्म 2011 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है हम तुम और सबाना। यह फिल्म में इनके साथ काम किए थे मिनीषा लांबा। यह फिल्म 2011 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है द डर्टी पिक्चर। इस फिल्म में इनके साथ काम की थी विद्या बालन और इमरान हाशमी। यह फिल्म 2011 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है चार दिन की चांदनी। इस फिल्म में इनके साथ काम किए थे कुकराज रंधावा। यह फिल्म 2012 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों वहीं इनकी अगली फिल्म आई थी क्या सुपर कूल है हम। इस फिल्म में इनके साथ काम की थी नेहा शर्मा। यह फिल्म 2012 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है बजाते रहो। जिस फिल्म में इनके साथ काम किए थे विनय पाठक और रवि किशन। यह फिल्म 2013 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी।
वहीं इनकी अगली फिल्म आती है क्या कूल है हम 3, जिसमें काम किए थे आफ्ताब और मंदानका कार्मी। यह फिल्म 2016 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है मस्ती ज्यादे, जिस फिल्म में इनके साथ काम की थी सन्नी लियोनी। यह फिल्म 2016 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं इनकी अगली फिल्म आती है मारिच, जिसमें काम की थी अनीता हसादानवी। यह फिल्म 2022 में रिलीज किया गया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित होती है। तो